How to fix OnePlus 6T home button not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा होम बटन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं. कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारा जो होम बटन है, ठीक है, उसमें क्लिक करने के बाद भी हमारा जो यहाँ पे मोबाइल है वो दोस्तों बैक नहीं होते और होम पे नहीं जाते, ठीक है. तो अगर दोस्तों आपका होम बटन भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो क्या करना होगा, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये सारे चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ. वीडियो के सारे अंत तक बने रहिए. सारे सारे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं. चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको प्रॉब्लम है, होम बटन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम, इसको फिक्स करने के लिए आप सबसे पहले मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखें. अगर रिस्टार्ट से काम बन जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो अच्छी बात है. अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग पर, ठीक है. सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बटन एंड जेस्टर पे क्लिक करना है, नेविगेशन बार पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेविगेशन जेस्टर यूज़ कर लेना है, ठीक है. ये करने के बाद थोड़ी देर मोबाइल को यूज़ करें, उसके बाद दोबारा से ये बैक बटन, होम बटन एंड रिसेंट बटन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, और उसके बाद दोस्तों चेक करके देखें कि आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है. अगर सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट करें. उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, पावर ऑफ के स्विच में 2 सेकेंड क्लिक करके रखना है, लॉन्ग प्रेस, उसके बाद ओके कर देना है. ओके करते ही मोबाइल सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा. जैसे ही रिबूट होगा चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने से दोस्तों अच्छी बात है. अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन पे जाना होगा. सेटिंग पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, सिस्टम पर जाएं और मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें. मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोबारा से चेक करके देखें, इस बार आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा. यदि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है अभी भी, ठीक है, तो आपके पास लास्ट 2 ऑप्शन है. एक है दोस्तों आप नेविगेशन बार डाउनलोड कर सकते हैं, नेविगेशन बार आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे दोस्तों क्योंकि कभी कभार हार्डवेयर इशू भी होते हैं, तो नेविगेशन बार यहाँ पे डाउनलोड करने से आपको कुछ इस प्रकार का सेटिंग्स नेविगेशन बार्स मिल जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नली. तो इसको आप डाउनलोड कीजिए, यूज़ करके देखिए, अच्छा एप्लीकेशन से आप यूज़ कर सकते हैं. या तो फिर दोस्तों आप ये यूज़ करें, या फिर आप परमानेंटली सॉल्यूशन करने के लिए सिस्टम पर जाके मोबाइल को रीसेट पर क्लिक करते हुए इरेस ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है. इरेस ऑल डेटा करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. अगर इरेस ऑल डेटा करने के बाद भी नहीं होते, तब तो फिर दोस्तों आपको नेविगेशन बार ऐप यूज़ करना होगा, या फिर किसी भी टेक्नीशियन के हेल्प लेना होगा, ठीक है. तो ये सॉल्यूशन पे से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट से जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन था आपको बता दिया है, ठीक है. उसको एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ, फ़ोन रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, अपना नेविगेशन बार को चेंज करके देखिए, सारे साथ मोबाइल को सेफ मोड पे रिस्टार्ट कीजिए, रिबूट कीजिए, ठीक है. मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपडेट यूज़ कर सकते हैं, और फैक्ट्री रिसेट आप कर सकते हैं. तो ये सारे सॉल्यूशन हैं जिसके मदद से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.